हरिओम स्वागत है मित्रों आप सभी का आज की इस प्रश्नोत्तरी कक्षा में आज हम दर्शन साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी यूजीसी नेट संस्कृत 25 या तिहत्तर कोड दोनों ही के लिए महत्वपूर्ण है बाकी प्रश्नोत्तरी विस्तार से पिछले वर्षों से हम कराते आ रहे हैं वो आप प्लेलिस्ट लिस्ट में जाकर के वर्तमान में देख सकते हैं और भी क्या नए प्रश्न बन सकते हैं इसीलिए हम इस बार भी अब परीक्षा आपकी नजदीकी है फिर भी कुछ प्रश्न भले ही बहुत कम प्रश्न हो उनको हम देखते हुए वर्तमान में इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला को चला रहे हैं तो प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में दे रहे हैं जो लाइव से जुड़े हुए हैं और जो बाद में देखेंगे उनको भी उत्तर देने का मतलब यह है कि आपके उत्तर देने से इस चैनल को या इस वीडियो को या किसी अन्य को कुछ भी नहीं मिल जाएगा इसमें केवल आपका मूल्यांकन आपका आंकलन होगा आप पहले अपने मति के अनुसार उत्तर दें कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए उसके बाद जो मैं उसका सही उत्तर बताऊंगा वो आप उसका मूल्यांकन करें कि मेरा अभ्यास कितना है और नया तो कुछ सीखने को आपको मिलेगा ही और साथ में आपका परीक्षा के लिए अभ्यास भी हो जाएगा ठीक है चलिए तो प्रारंभ करते हैं ये वैदिक दर्शन साहित्य की प्रश्नोत्तरी को पहला प्रश्न आपके सामने दर्शन साहित्य की इकाइयों से पूरा टोटल जितने भी विषय हैं उनसे सामूहिक रूप से मैंने प्रश्न बनाए हुए हैं आप देख सकते हैं पहला प्रश्न क्या है अधोलिखितान सुमेलयत आपको सही मिलान करना है एक तरफ दिए हैं लोकायत दर्शनम लोकायत दर्शनम ठीक है वो दो वहां पर होगा इतना आप लोग समझ सकते हैं आरहत दर्शनम अवलोक्य दर्शनम जैमिनी दर्शन दूसरी तरफ है पूर्व मीमांसा चार्वाक। यानी कि दर्शनों के जो वाद होते हैं उनके और भी कोई अन्य नाम है उन सभी नामों को हमें पूछना चाहिए क्योंकि परीक्षक नई नई चीजों को प्रत्येक नवीन परीक्षा में आपके सामने लेकर के आता है तो अब हम यदि इसका मिलान करते हैं तो आपको भी थोड़ा बहुत समय मिल गया है अब आप इसका उत्तर कमेंट में दे रहे हैं तो इसका सही उत्तर क्या होगा हम देखते हैं देखिए लोकायत दर्शन जो है वो चारवाक दर्शन का अपर नाम है ठीक आरहत दर्शन बोलते हैं जैन दर्शन को ठीक जैन दर्शन का दूसरा नाम आरहत दर्शन भी है इसके बाद के दर्शन जो है वो वैशेषिक दर्शन कर्णाद मुनि का इसको औलुक्य दर्शन भी कहा जाता है और जैमिनी दर्शनम ये जो है ये पूर्व मीमांसा मीमांसा दर्शन भी कह सकते हैं या पूर्व मीमांसा इसको जैमिनी इसके लेखक हैं इसलिए जैमिनी दर्शन भी इसको कहा जाता है ठीक है तो इस प्रकार से इसका पहले का यदि चौथा है और दूसरे का तीसरा है यानी कि गौ है और तीसरे का ख है और चौथे का क है तो इसका विकल्प जो है वो दूसरा वाला एकदम क्या है एकदम उचित उत्तर है सही है ठीक है ये पहला प्रश्न हो गया क्योंकि एक प्रश्न की व्याख्या करते समय अगर मैं और चीजों को भी बताने लगता हूं तो इस पर भी मैंने कई बार नोट किया है आदमी इस प्रश्न से उसका मन हटता है इस प्रश्न को भी उतना वो मस्तिष्क में नहीं रख पाता इसलिए इस पर ही चर्चा करेंगे और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है बाकी चीजें आप देखनी है दर्शनों के यही नाम नहीं है इनके दो दो तीन तीन चार चार नाम भी और हैं ठीक है तो वो आप देख सकते हैं अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं हाँ एक मिनट इससे पहले दूसरा प्रश्न है लुंचिता पिच्छिका हस्ता पाणीपात्रा के श्वेतांबरा वा आडंबरा दिगंबरा या ऋतंभरा तो लक्षण है क्योंकि पंक्तियों से प्रश्न आता ही है ये आप लोग जानते हैं सीधे पंक्तियों से प्रश्न वर्तमान में आ रहा है तो जैन दर्शन में दो प्रकार के एक संप्रदाय हुआ करते हैं दिगंबर और श्वेतांबर तो लुंचिता पिच्छिका पिच्छिका हस्ता पात्रा दिगंबरा बोला है ये दिगंबर जो दिशा को ही अपना दिशाओं को ही अपने वस्त्र मानते हैं निर्वस्त्र होकर के ये चलते हैं ठीक है और श्वेतांबर क्या है श्वेतांबरा क्षमाशीला निगा जैन साधव ये उनका लक्षण ऐसा पूछ सकता है कि निसंगाह के ऐसा भी प्रश्न आ सकता है तो इसलिए वो होगा श्वेतांबराह ये दिगंबर है ठीक है अभो अबोधात्मक अबोधात्मकस्तु जीव सजीव निर्जीव अजीव यहां जो खाली स्थान भरना है तो इसके स्थान पर क्या आएगा ये भी जैन दर्शन से प्रश्न है जैन दर्शन में दो तरह के प्रारंभ में तत्व बोले गए हैं पदार्थ कह सकते हैं जीव और अजीव तो फिर जीव का लक्षण करते थे बोधात्मक जीव अबोधात्मक ठीक है अबोधात्मक अजीव है जिसको बोध नहीं होता है अजीव है ऐसे अब जैसे आपके सामने आपका मोबाइल है अगर आप उसको कुछ न करें ऐसे ही कुछ बोले तो वो अपने आप तो कुछ भी नहीं करेगा ना वो अजीव है। निर्जीव है अबोधात्मक उसमें बोधन शक्ति नहीं है चलिए तो तीसरा प्रश्न हो चुका है चौथा प्रश्न है सांख्यकारिका अनुसार हम भवंती। भेदावंती सांख्यकारिका में अशक्ति के कितने भेद हैं नौ है आठ अट्ठाइस अथवा अठारह ठीक है तुष्टि है अशक्ति है सिद्धि है विपर्य है इन सभी के भेदों को संख्या को क्या क्या नाम है ये चीजें आपको परीक्षा के लिए देख लेनी चाहिए तो अशक्ति के अठाईस भेद हैं ठीक है, है? तुष्टि के आठ हैं और सिद्धि अष्टधा तुष्टिर नवधा अष्टधा सिद्धि ही बोला आठ है आठ सिद्धियां हैं नौ तुष्टियां हैं अट्ठाइस अशक्ति हैं पंच विपर्य भेद और विपर्य के पांच भेद हैं ठीक है, है? चलिए अब हम पांचवा प्रश्न देखेंगे इसमें आपको क्रम मिलाना है समुचित क्रम कह इन का समुचित क्रम उचित क्रम जो मूल ग्रंथ में है वो क्या होगा अजीव बंध, आश्रव मोक्ष, अजीव आश्रव बंध मोक्ष अजीब आश्रव संवर बंध मोक्ष अजीब बंध संवर मोक्ष आश्रव या अजीब आश्रव बंध संवर मोक्ष तो इसका उत्तर आप लोग देने का प्रयास करेंगे ठीक है क्योंकि मैंने जैन दर्शन में तत्व के बारे में कई बार आपसे पहले भी चर्चा की है कि दो तत्व भी वो मानते हैं नौ तत्व भी वो मानते हैं सात तत्व भी वो मानते हैं ठीक तो वो सात तत्व भी मानते हैं जीव आजीव अस्त्र बंध संवर निर्जरा मोक्ष इस क्रम में इसका जो विकल्प है वो चौथा एकदम सही है क्योंकि जीव नहीं है पहला वाला फिर उसके बाद अजीव आश्रव बंध शंवर, फिर निर्जरा नहीं है पर मोक्ष है तो ये, ये आपका आंकलन के लिए इस प्रकार के प्रश्न की कोटि को बनाया जाता है ठीक है चलिए हम्म आगे बढ़ते हैं हम शुद्ध हाँ जीव ब्रह्मक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम किम अद्वैतम वैतम विषय प्रयोजन लक्षण है ये जीव भ्रम्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम किसको बोला जाता है तो विषयो जीव भ्रम्हक्यम शुद्ध चैतन्यम बोला है वेदांत सार में ठीक इस प्रकार से तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर होगा ठीक है अनुबंध चतुष्टय में जो विषय आता है उसका लक्षण आपको सार के प्रारंभ में ही मिलेगा वो है चारों अन्यों के भी आप याद कर लीजिएगा अब प्रश्न है आपके सामने यूका मशका यूका और मशक ये दोनों की बात हो रही है तो यूका मशका अंडजा भवंती वा स्वेदावंती व उद्भिजा जरायुजा वो क्या होते हैं यू का मशका ठीक है चलिए तो इसका उत्तर बताएंगे आप लोग ठीक है तो चार प्रकार के जीव होते हैं ये मनुस्मृति में वेदांत आदि अनेकों ग्रंथों में मिलता है तो ऊष्मोपजाय ऐसे प्रकार के भी पंक्ति मिलेगी तो ये स्वेदज है जो स्वेद से पसीने की बूंदों से ही जिनका जन्म हो जाता है वो युका मशक आदि है ठीक है युका मतलब जो बालों में जुआ जिसे बोला जाता है जू जिसे बोलते हैं वो है ठीक है युका उद्भिजास्थावर सर्वे बीज कांड ये सब चीजें पूर्व वाली कक्षाओं में हम करा चुके हैं विस्तार से सब समझ सकते हैं देख करके कक्षाओं को तो पंच वायु कर्मेंद्रियान्वित याणीअन्वित अर्थात पंचवायु और पंच कर्मियों से कर्मेंद्रियों से मिलकर के कौन बनता है ये कहने का भाव है ठीक है यहां तो आपको इतना समझाया जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञानमय कोश अन्नमय कोश यहां तो इस प्रश्नोत्तरी कराने का उद्देश्य तो केवल दिग्दर्शन मात्र है कि आपको प्रश्नोत्तरी से जोड़े रहना और इससे ये बताना कि आप पिछली प्रश्नोत्तरी को देख लीजिए प्रश्नोत्तरी को जारी रखना बस क्योंकि प्रश्नोत्तरी तो हम जो जून में परीक्षा हुई है उसके लिए करा ही चुके हैं पंद्रह सौ से ऊपर प्रश्न हमने देखे थे तो परीक्षा निरस्त होगी तो उसके लिए क्या किया जा सकता है ठीक है तो पंच वायु और पंच कर्मेंद्रियों से मिलकर के हमारा प्राणमय कोष बनता है और मनोमय कोष कैसे बनेगा मनोमय कोष बनेगा मन और इंद्रियों से मिलकर के पांचों और विज्ञानमय बनेगा बुद्धि और इंद्रियों से मिलकर इस प्रकार से तीनों कोषों की निर्मित बताई गई है अन्नमय और आनंदमय तो अलग है ही पर ये तीनों कैसे बनते हैं ये मैंने आपको बता दिया है आठवें का पहला ठीक चलिए अब हमें आगे बढ़ना चाहिए अग्रिम प्रश्न की ओर ठीक है चलिए अब है अनुमित निकृष्ट लक्षणम भवती निकृष्ट लक्षणम तो चार विकल्प आपके सामने उपस्थित हैं ये आप देखिए ठीक निकृष्ट लक्षण अनुमिति अनुमानम, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान अनुमान लिंग लिंगापरामर्शोनुम लिंग परामर्शोनुम थोड़ा सा अंतर है विकल्प में इसलिए इसका ये चौथा वाला विकल्प ठीक हो जाएगा लिंग परामर्शोनुमानम अनुमानम वैसे तो सामान्य लक्षण है अनुमितीकरणम अनुमानम निकृष्ट लक्षण की बात करेंगे तो लिंग परामर्शोनुमानम अनुमानम ठीक है कंफ्यूजन नहीं होना यहाँ पर लिंगा कर दिया है मैंने जानबूझ करके ताकि आपका आंकलन किया जाए आप कितने परीक्षा के लिए तैयार हैं कितने सतर्क हैं सावधानी आप प्रश्न को करते समय रखते हैं अथवा नहीं ठीक है तो लिंग परामर्शो अनुमानम कई लोगों के लिए यह बात सामान्य होगी पर कई लोगों के लिए यह बात विशिष्ट भी हो सकती है सामर्थ्यम सर्व शब्दा नाम किम भवती अर्थम लिंगम शक्ति ही वा किम भवती सामर्थ्यम सर्व शब्दा वैसे अर्थ संग्रह में दूसरा भी लक्षण बोला है शब्द सामर्थ्यम लिंगम ऐसा भी बोला है सामर्थ्यम नाम सर्व शब्दा लिंगमित्य विधीयते ठीक है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिंगम तो इसका चौथा विकल्प ठीक होगा दस प्रश्न हमने देख लिया ग्यारहवा प्रश्न है अर्थ अर्थसंग्रह के अनुसार समाख्या के भेद आपको बता देने हैं समाख्या कितने प्रकार की है द्विविधा त्रिविधा पंचधा षटधा, ठीक है तो समाख्या यौगिक शब्द ये तो लक्षण है उसका और समाख्या दो प्रकार की होती है लौकिकी और वैदिकी समाख्या ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बारवा प्रश्न ज्यादा समय भी नहीं लगा रहे हैं प्रश्न पर और ज्यादा जल्दीबाजी भी नहीं कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ठीक है क्योंकि ज्यादा समय लगाने में भी अभी लाभ नहीं है और ज्यादा प्रश्न भी नहीं है ये भी आप देखिए तो मंत्र मीमांसांतर्गतम को विधि ही गणते तो मीमांसा से तो ये प्रश्न है इतना तो निश्चित हो गया है अभिपूर्व तो मीमांसा तो मंत्र मीमांसा के अंतर्गत कौन सी विधि आती है प्रयोग विधि आती है या अधिकार विधि नियम विधि विनियोग विधि पहले जो सामान्य विधियां हैं उनमें चार प्रकार की विधियां आती उत्पत्ति विधि विनियोग विधि प्रयोग विधि और अधिकार विधि उसके बाद मंत्र मीमांसा के अंतर्गत तीन विधियां आती हैं अपूर्व विधि नियम विधि और परिसंख्या विधि तो नियम विधि मैंने बोला ना मंत्र मीमांसा के अंतर्गत नियम विधि आती है व्रीहीन वहंती व्रीहीन प्रोक्ष इत्यादि इसका उदाहरण है और विधि का उदाहरण आप जानते ही हैं प्रसिद्ध है वो पंच पंच नखा भक्षा तेरह प्रश्न आपके सामने समुपस्थित है क्लिष्टा क्लिष्टा क्लिष्टाथवा क चित्त भूमान योग योगदर्शन ठीक है ये आप अब समझ सकते हैं ठीक है तो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत पंच तो चित्त वृत्तियां ही क्या होती हैं वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से दो प्रकार की होती है चित्त वृत्तियां जिनका नाम मैंने आपको अभी बोला ठीक है नियम चित्त भूमि यम इत्यादि नहीं होते हैं ठीक है चलिए तो इसका चौथा विकल्प ठीक हो जाएगा प्रारंभ में ही योग दर्शन के है ये तो ये तो मूल योग दर्शन में मिलेगा भाष्य की जरूरत नहीं है ठीक है चलिए चौदवा प्रश्न आपके सामने है शति श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेद प्राणायाम कस्ती श्वास प्रश्वास गति श्वास प्रश्वास गति विच्छेदः या गतिर्विच्छेद प्राणायाम तो प्राणायामे सति ध्याने सति आसने सति समाधौ सती ठीक है तो क्या होगा तो स्थिर सुखम आसनम पहले बोला है फिर आसन के बाद जब लक्षण किया प्राणायाम का तो उसी आसन में रहते हुए तस्मिन सती आसने सती ठीक है तस्मिन बोला है वहां पर तो मैंने कश्मीन प्रयोग किया है ताकि आप यहाँ पर आसने लगाएंगे आसन में बैठ करके ही तो आप प्राणायाम करते हैं ना तो आसने सती श्वास प्रश्वासोर गतिरिविच्छेद प्राणायाम ठीक तो तीसरा विकल्प ठीक होगा अभी आपको ज्यादा दबाव देने की आवश्यकता नहीं है सरल से सामान्य से सुकोमल से प्रश्न है वो आप कठिन प्रश्न दूसरी प्रश्नोत्तर इसे आप देख रहे होंगे मैं आशा करता हूं अंतिम प्रश्न है आज का वस्तुवाद कस्य दर्शन से वाद वर्तते अभी पहले ही वाले प्रश्न में भी हमने वादों की चर्चा की थी तो अब पूछ रहा है वस्तुवाद कौन से दर्शन का वाद है नया न्याय का वेदांत का या सांख्य का या योग दर्शन का वस्तुवाद ठीक है तो इसका सही उत्तर आपको बताना होगा इसके सही उत्तर की ओर हम बढ़ते हैं इसका सही उत्तर जो है क्योंकि मेरे बोलने तक आप आपको तो बोलना तो है नहीं आपको तो केवल जल्दी से पढ़ना है आपने उत्तर लगा दिया है तो न्याय दर्शन है वस्तुवाद ठीक न्याय दर्शन इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से हमने पंद्रह प्रश्नों को जल्दी से देख लिया है दर्शन के दर्शन के प्रश्न अब नहीं है मैं आपको स्पष्ट बता दूं कल या परसों से व्याकरण के कुछ प्रश्नों को लेकर के आऊंगा व्याकरण के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे ठीक है तो अभी के लिए बस इतना ही अपने मित्रों तक भी शेयर करते हुए लाइक करते हुए आप लोग यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं कक्षा से अग्रिम कक्षा से मिलते हैं आप सभी का नमो नमः सभी के लिए नमो नमः सभी का हार्दिक धन्यवाद हरिओम